इट इज़ डे 5 इन बाकू और कल हम लोग रात में गबाला से बाकू आ गए थे और आज का प्लान इज़ टू एक्सप्लोर मोर ऑफ बाकू. पर पिछली बार हमने बाय फुट एक्सप्लोर किया था, आज लेट्स सी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है. सो वी आर गोइंग टू द बाकू सिटी सर्किट वाया मेट्रो और उसके बाद वी विल ऑल्सो गो टू हैदर अलीयेव म्यूजियम. सो लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड. मेट्रो स्टेशन से सिर्फ एक स्टेशन दूर ही बाकू सिटी सर्किट स्टेशन है और एक मेट्रो कार्ड में दो तीन लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं. एक मेट्रो कार्ड का प्राइस है 2 manat और यहाँ पे 0.4 manat लगते हैं एक स्टेशन पे. तो 2 manats में आप इजीली 5 स्टेशन ट्रैवल कर सकते हैं. सो वन ऑफ द मेजर रीजंस बाकू आने का था टू सी दी F1 स्ट्रीट सर्किट. F1 मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ. बिल्कुल मेरे पीछे इज दी बाकू सिटी सर्किट बट अंदर जाना अलाउ नहीं है. One of the most prominent buildings in Baku. It is called as the Haider Aliyev Center. This building is a museum, a workshop, a conference hall and an exhibition center all in one. और ये जो जगह है ये मंडे को बंद रहती है और इसकी एंट्री टिकट है 15 manat per person. But just look at this building. It's shaped like a fluid with literally no sharp angles. प्रेसिडेंट हैदर अलीयेव जिनके नाम के पीछे ये पूरे म्यूजियम का भी नाम रखा गया है. और उन्होंने ये जो दो गाड़ियाँ हैं वो 1993 से लेके 2003 के इंटरवल में यूज़ करी थी एंड दीज कार्स वर स्पेशली बिल्ट इन जर्मनी फॉर. सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे देयर इज़ अ म्यूज़ियम जहाँ पे इनके प्रेसिडेंट हैदर अलीयेव की पूरी स्टोरी डिपिक्ट की गई है सिंस चाइल्डहुड टिल द एडल्टहुड. कैसे कौन कौन से स्कूल में गए, कहाँ क्या एजुकेशन ली, कैसे पॉलिटिकल पार्टी में आए एंड ऑल ऑफ दैट पूरा यहाँ पे डिपिक्ट किया गया. In the next corner, we are going to see the famous musical instruments of Azerbaijan. So these are the musical instruments जो अजरबैजान में काफ़ी कॉमन है एंड द मोमेंट यू स्टेप ऑन दीज रेड कार्पेट्स आप इन इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड भी सुन सकते हैं. Thank you.
कॉल्ड एज द मिनी अजरबैजान, और इस फ्लोर पे इन्होंने अजरबैजान में जितनी भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या फिर बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन सब के मिनिएचर्स लगा रखे हैं, और आप पढ़ सकते हैं उनका सिग्निफिकेंस यहाँ पर। डॉल हाउस, यहाँ पे जितने भी डॉल्स वगैरह हैं सब कुछ हैंडमेड है। ऊपर एक कार म्यूजियम भी है जिसके लिए यू हैव टू पे सेपरेट ऑफ 10 मनाज, वहाँ हम नहीं जा रहे, बट दिस डॉल म्यूजियम इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड, और इससे पहले आज तक कभी मैंने डॉल म्यूजियम देखा नहीं, एंड ऑल द डॉल्स ऑफ हियर आर कंप्लीटली हैंडमेड, वेरी इंटरेस्टिंग। जो बुक्स यहाँ पे 10,000 के करीब किताबें हैं, और कुछ बुक्स तो इतनी छोटी है कि उनको पढ़ने के लिए यू नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड इट ओपन्स एवरी डे फ्रॉम 11 AM टिल 6 PM, एंड देर इज़ नो एंट्री फीस टू विजिट दिस म्यूजियम। Another unique thing that I saw in Baku was the Museum of Miniature Books. Although इतनी छोटी books जिनको magnifying glass से पढ़ना पड़े उनका sense भी क्या है, but any which ways our next stop is the Palace of Shirvanshah, so let's go. So we are now at the Shirvanshah Palace, और entry करते flame towers का बहुत अच्छा सा view है यहाँ पे। रेजिडेंशियल पैलेस हुआ करता था, ये जो पैलेस है वो 12th century में कंस्ट्रक्ट हो गया था, और इस पैलेस के 2 फ्लोर्स हैं, जो ऊपर वाला फ्लोर है दैट वॉज डेडिकेटेड फॉर द फैमिली मेम्बर्स टू लिव इन, और ये जो दूसरा ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे जितना भी हाउस होल्ड का सामान हुआ करता था दैट वॉज स्टोर्ड ओवर हियर, एंड दिस पैलेस ओपन्स एवरी डे फ्रॉम 11 AM टिल 6 PM, और एंट्री टिकट यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट की है 15 मनाज पर पर्सन। जैसे हमारे यहाँ राजा का राजमहल हुआ करता था वैसे यहाँ पे थ्रोन रूम है ऑफ द फर्स्ट शिरवंशा रूलर इब्राहिम शाह। यू नो बाकू एट नाइट इज मैजिक, और बाकू की स्काईलाइन को देखने के लिए वी आर ऑफ टू दी हाईलैंड पार्क, पर उससे पहले यू शुड सी दी व्यू ऑफ दी फ्लेम टावर्स ब्यूटिफुली लिट अप एट नाइट।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. एंड इन द नेक्स्ट व्लॉग आई विल बी कवरिंग शादाब. सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल्सो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन.